पर सनी लो की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आज इलेक्शन का पहला राउंड होता है, मतलब कि इलेक्शन को तीन भागों में बांटा गया है। अभी तो ये फर्स्ट राउंड बिगिनिंग है जिसमें क्या बोलते हैं लिटरेचर वाला है, जिसमें हमें पोएम बोलनी होती है, ये वो दिखाना होता है कि हमें कितना ज़्यादा नॉलेज है। हम देखते हैं लोगों को, लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं, वो लोग कहते हैं यार आज इलेक्शन का पहला राउंड है, चलो चल के देखते हैं, आज की पोएम सुनने में मजा आ जाएगा। दूसरे वाला कहता है यार मैंने भी तैयार की है पर पता नहीं मेरा नंबर आएगा या नहीं। फिर अभी वहाँ पे एक बंदा किसी मोटे का आवाज लगाता है, वो कहता है सू, अरे भाई तू भी आया है क्या, तू भी पास पार्टिसिपेट करने वाला है। क्योंकि सू कहता है अरे हाँ यार मैंने सोचा क्यों ना, दे इतने साल की ट्रेनिंग की मेहनत है, मैं एक स्कॉलर भी हूँ तो सोचा क्यों ना पार्टिसिपेट कर ही लेता हूँ, इसी बहाने लोगों के सामने थोड़ा शो भी कर दूंगा, दिखा भी दूंगा कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है। तो बात अभी वो जो बंदा होता है जो पहले वाला, वो कहता है अरे यार तेरे को नहीं पता क्या इस बार के जो लिटरेचर टेस्ट हो ना, इसमें ना यहाँ पे यून फैमिली एक बहुत खतरनाक स्कॉलर को लेके आई है जो कि यार लिटरेचर पेवलियन से आता है। ये सुन के दूसरे वाला कहता है हाँ यार मैंने भी सुना है, वो बहुत ज़्यादा खपका माल का है, आज तक किसी को नहीं पता वो एक ग्रेट स्कॉलर है। ये सुन के वो मोटा सू वो कहता है क्या यार मुझे इस बारे में पता ही नहीं था लिटरेचर पेवलियन से, भाई साहब उसके स्कॉलर तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तभी वो लोग कहते हैं तुम्हें पता है ये पेविलियन ऑफ लिटरेचर क्या है आखिरकार। ये सुन के दूसरे वाला कहता है हाँ मुझे पता है, इस पेविलियन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना ये सारे के सारे लिटरली एक हाई लेवल के स्कॉलर्स है। ये लोग इन लोगों को क्वालिफिकेशन कैसे मिलती है, इनको क्वालिफिकेशन कैसे मिलती है, ये लोग बुक्स को पढ़ते हैं, मार्शल आर्ट की बुक्स को, हर नॉलेजबल बुक्स को पढ़ते हैं जिसके कारण इनका नॉलेज और इनकी मार्शल आर्ट बढ़ती है, जिस तरह जाके ये स्कॉलर बनते हैं। तभी वो जो जूद होता है वो मोटा, वो वहाँ से भाग जाता है, वो कहता है कि यार अभी मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं फिर कभी और आऊँगा इस टेस्ट को देने के लिए, और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे शाओशु और वहाँ पे वो स्कॉलर लू और वहाँ पे होली प्रिंसेस भी होती है। होली प्रिंसेस अपने उनमें कहती है आखिरकार किंगशी कहाँ रह गया, वो अब तक आया क्यों नहीं। बात अभी शाओशु उसका मजाक उड़ाने लगता है, वो कहता है किंगशी की अभी इतनी औकात नहीं है कि वो मुझसे कम्पीट करे हैं, वो तो वैसे भी मैंने उसे तीन बार पछाड़ दिया था इसलिए वो नहीं आएगा। तभी शाओशु उसको कहता है तो उसको लू आपका इसके बारे में क्या कहना है। ये सुन के वो लू कहता है तेरी औकात नहीं कि तू मुझसे बात करे इसलिए मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, शांति से कोने में खड़ा रहे। पर लेकिन तभी भीड़ में से हमारा किंगशी आ रहा होता है, वो कहता है प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज आई डेट, ये लोग कहते हैं यार ये हमें धक्का क्यों दे रहा है, और उसे देख के शाओशु कहता है ये यहाँ कैसे। फिर तभी किंगशी उन भीड़ में से जोरदार ऊपर से छलांग मारता है और वो सीधा स्टेज पे आता है, वो कहता है आ मेरे सेफ लैंडिंग का तो कहना है क्या, मुझ जैसा बंदा शायद तक लाखों में एक होगा। तो उस पर चिल्लाता है कि कमीने पहली बात तो तू इतना लेट आया, दूसरी बात तेरी हिम्मत कैसे आखिरकार इस तरह से स्टेज पे आने की, क्या तेरे को बिल्कुल भी डर नहीं कि तू यहाँ पे होली प्रिंसेस के सामने खड़ा है। किंगशी एटीट्यूड में कहता है पहली बात हम यहाँ पे लिटरेचर का टेस्ट देने आए हैं क्योंकि हम लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं, दूसरी बात मुझे घंटा किसी की भी परवाह नहीं है, मैं चेक करूँ या ना करूँ वो मुझ पर निर्भर करता है, तू होता कौन है मुझे कहने वाला। शाओशु को आता है गुस्सा कि कमी ने तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाओशु हमारे किंगशी कहता है तो आ ना तेरे बाप की गांड में दम है तो आ लड़ मुझसे। वो कहती है तो ठीक है यहाँ पे अब सारे प्रिंसेस यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं तो ठीक है चलो हम इस टेस्ट को शुरू करते हैं, हम इस लिटरेचर के टेस्ट को अब शुरू करते हैं। कहते तो ठीक है तुम्हारा जो पहला राउंड है इसमें इसका ये होगा तुम्हारी पोएम अच्छी होनी चाहिए, पोएम की थीम अच्छी होनी चाहिए, उस हिसाब से जो तुम्हारी पोएम होगी ना उसका क्या मीनिंग होगा उसके हिसाब से जज आपको जज करेंगे, हम आपको जज करेंगे उस हिसाब से हम आपको पास करेंगे। फिर तभी शाओशु कहता है मेरी पोएम का थीम है फ्लो ऑफ टाइम, मतलब कि फ्लो का टाइम, और फिर वो एकदम फालतू से पोएम गाने लगता है जिसको सुन के यार मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मैं समझ नहीं आ रहा इस पोएम को कैसे एक्सप्लेन करूँ यार, समझ नहीं आ रहा उसने समय के ऊपर इस तरह से पोएम बनाई है, मैं क्यों राइटर क्या कर रहा है यार, इसलिए मैं ऐसा अपने दिमाग में जो आया एक बार वो बोलता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समय लोग और ये दुनिया किसी के बाप की सगी नहीं है, जो लड़का जो होता है उसे सब सहना होता है, उसके दिल में उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं समझ सकता, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, लड़का होना आसान नहीं होता। वो एक पोइम और गाता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ओ मेरी शाही वान मुझे हो गया तुमसे प्यार, इस तरह की बच्चों जैसी वो बातें कर रहा है, इस जैसे बच्चों जैसी पोइम गा रहा है यार, कुछ कुछ सेंस वाली बातें बोलो। और उसकी ये पोइम सुन के सभी लोग कहते हैं एक मिनट ये तो बच्चों की तरह पोइम गा रहा है बे। और फिर तभी हमारा शाओशु हमारे किंगशी उसका मजाक उड़ाता है, वो कहता है यार तेरी पोएम बच्चों की तरह बचकांड थी एकदम बचकांड, बोल तो बचकांड है तेरे को लगता है पोएम का अब तो कोई खास नॉलेज नहीं है। ये सुन के शाओशु को आता है गुस्सा, वो कहता है अबे अपनी बकवास बंद कर, अब तू अपनी पोएम सुना। लेकिन तभी बीच में ही वो स्कॉलर लू वो कहता है कि नहीं सबसे पहले मैं अपनी पोएम सुनाऊंगा, अब मेरी बारी है, मैं किंगशी को मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि रियल पोएम रियल स्कॉलर किसे कहते हैं, एक पोएम मास्टर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मैंने रात दिन जाग के बहुत सारी पोएम लिखी है, चलो मैं तुम लोगों को आज सुनाता ही हूँ। और फिर वो कहता है ठीक है मैं शुरू करता हूँ, पर लेकिन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूँ शाओशु तुम्हारी जो पोएम थी वो पोएम के नाम पे बस एक क्या बोलते कलंक था, कलंक समझे तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारी पोएम में कोई फीलिंग नहीं थी कोई सेंस नहीं था, इसलिए तुम्हें लगता है पोएम का भी कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरे साथ तो खेलना बंद करो।
सबसे बड़ी बात, मैं एक स्कॉलर हूँ इसलिए मैं फाइट तो नहीं कर सकता, पर लेकिन मेरी जो स्कॉलरशिप है, मतलब कि मैं जो सबसे ज़्यादा करता हूँ वो है पढ़ाई। मेरे अंदर स्कॉलर की बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गुण हैं। मैं तुम सबसे ज़्यादा बेटर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। हाँ, पर अगर बात फाइट की हो तो हाँ बात अलग। कहता है मेरी पोम ये है कि जिस प्रकार से समुद्र की लहरें बड़े बड़े पर्वतों को छू देती है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को भी अपने आप को संघर्ष करना होगा। हम संघर्ष कर करके अपने आप को ताकतवर बनाएंगे, जिसके कारण हम भी उन पर्वतों को छू पाएं। किंग्स हैरान हो जाता है, वो देख बा क्या बात कह दी भाई इसने, ये कह क्या रहा है, वो तो मुझे पल्ले नहीं पड़ा। और फिर तभी पीछे के जो यून फैमिली के जो बंदे होते हैं वो सभी तो बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या बात है भाई, तुमने क्या कहा है भाई, इसका डीप मीनिंग लाजवाब है भाई। मुझे तो कुछ समझ नहीं है, पर लेकिन इनको कहाँ से क्या पता नहीं। वो लोग कहते हैं भाई क्या कहा है तूने, मैं मान गया भाई। सच में ऐसे ही नहीं कहते कि लिटरेचर पेवलियन वाले बंदे स्कॉलर एकदम बेकार होते हैं, नहीं, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लोग तो बस ऐसे ही उनकी बातें बनाते हैं। ये सुन के वो कहता है हमारे किंग से कि यार इन लोगों ने बस इस छोटी सी पोएम को ऐसे बड़ी बहुत बड़ी पोएम कह दिया। अगर मैंने इनको अपनी पृथ्वी की पोएम सुनाया तो ये स्कॉलर तो यहाँ पे नंगा मुँहतेगा, बहुत गंदी तरीके से हारेगा। चलो आज मैं इन पोएम का रियल मीनिंग बताता हूँ। हमारे किंग से तैयार होता है, वो कहता है ठीक है रुक जा जरा, अब मेरी बारी, तुम रुक जा, हाँ मेरी बारी। फिर तभी वो जो लूत होता है वो कहता है अगर तू मुझे हराना चाहता है तो तुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, मैं एक स्कॉलर के साथ साथ एक राइटर भी हूँ, समझा ना, मैंने बहुत सारी पोएम लिखी है। ये देख मैंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, ये सारी पोएम मेरे द्वारा लिखी हुई है, मेरे जैसा स्कॉलर मेरे जैसा राइटर तेरे को दुनिया में अगर कहीं मिल जाना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। और सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या सच में सीरियसली इस बंदे ने बहुत सारी पोएम लिखी है, पर लेकिन हमें किंगशी पे ही पूरा यकीन है। मिस्टर किंगशी हम जानते हैं आप कर सकते हैं, हम जानते हैं, आई होप कि आप जीते, यानी जितनी भी पब्लिक है वो हमारे किंगशी के सपोर्टर में होती है। किंगशी कहता है मुझे इस बंदे की पुरानी मेमोरी याद है, ये बंदा भी एक स्कॉलर हुआ करता था, ये भी एक पोइम मास्टर हुआ करता था, ये डूफू ये भी बहुत कमाल का बंदा था, इसने बहुत सारी पोइम लिखी, तो क्यों ना एक बार सर इसकी पोइम भी ट्राई कर ले, पर लेकिन वाट इफ अगर मैं इसकी पोइम में अपनी पोइम से जरा थोड़ी मिक्स कर लूँ तो देखते हैं क्या होगा। और इसी के साथ ही एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।